छनक और अनिरुद्ध की ये कहानी भी हम सबको बांध कर रखती है। कहानी में आते हैं नए नए मोड़ और कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है कि हमें भी रहता है इसके नए एपिसोड का इंतजार। तो कैसे आगे बढ़ रही है छनक की ये कहानी, क्या कुछ हो रहा है आज इनकी जिंदगी में, लेकर चलते हैं आपको फटाफट इनके पास। स्टार प्लस की सीरियल छनक में इन दिनों छनक काफी मुश्किलों का सामना कर रही है। असल में छनक वापस अपने घर लौट कर आ गई है, जहां बड़ी माँ छनक से अनिरुद्ध के पास वापस लौट जाने के लिए कहती है। वही बड़ी माँ को पता है कि छनक और अनिरुद्ध की शादी हो चुकी है, लेकिन छनक इस बात से साफ इनकार कर देती है क्योंकि उसका ये मानना है कि अनिरुद्ध अर्शी से प्यार करता है और ये सिंदूर सिर्फ उसी के नाम का है और वो अनिरुद्ध पर बोझ नहीं बनना चाहती। भाई छनक की ये कश्मकश उसे तेजस के पास लेकर जाने के लिए भी तैयार है क्योंकि उसने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि अब उसकी जिंदगी तेजस के नाम होगी और तेजस जैसे भी हाल में उसे रखेगा वो उसे कबूल कर लेगी। तो भाई अब देखना होगा कि आखिर क्या वाकई जनक अपनी जिंदगी के इस अहम फैसले को इस तरीके से लेगी या फिर अनिरुद्ध जनक की मदद करेगा। जो मेरी किस्मत में लिखा है वो होगा, मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात तय है कि उस तेजस के साथ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। घर वाले मुझे यहाँ से अकेला जाने दे, इसी में मेरी मंजूरी होगी। यहाँ से जाने की बात कर, अगर तेजस ने मुझे किडनैप कर लिया या अपने घर में कैद करके रखा तो वो मेरी किस्मत है। और अपनी किस्मत से लड़ने के लिए ताकत नहीं बची है मुझमें। बोलो माँ, लड़ना होगा तुम्हें, जब तक हमें जिंदा है ना तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। देखना, वो हमेशा तेजस और तुम्हारे बीच खड़ा रहेगा। इतना तो भरोसा है मुझे, मैं भी इस झूठ में नहीं जीना चाहती हूँ। अब ये सिंदूर, ये शाखा बोला कि ये सब भी मिलना पड़ेगा मुझे। नहीं बोलो माँ, वो ऐसा नहीं कर सकते। इतना हक मैंने किसी को नहीं दिया, वो इस घर से मुझे निकाल सकते हैं लेकिन जबरदस्ती मेरी शादी नहीं करा सकते, कभी नहीं। वो लोग तुम पर धोखे बंदे का झूठा इल्जाम लगाएंगे तुम्हें, हो सकता है तुम्हें वो अरेस्ट भी कर ले। तुम पर केस होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है तुम्हारे लिए। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप कमेंट करें, अपनी राय ज़रूर दें और हाँ साथ के साथ इसे लाइक भी करें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और हाँ साथ के साथ हमें फॉलो करें व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।